मैं इंग्लिश के वैसे पंद्रह दिन का प्लेट्स लेने का सोच रही थी बट देन फिर मैंने सोचा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनके अंदर आगे बहुत सारे बच्चों को ऑफ्स नहीं मिले हैं सो so, वो बच्चे अभी फिलहाल वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि अभी जिस जब राइट टाइम आएगा जब एक्चुअली शायद सारे के सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उनके पास में इतना टाइम होगा कि वो वीडियोज देख पाए तब मैं स्टार्ट करूंगी और मुझे लग रहा है ट्वेंटी वो राइट टाइम आ चुका है आज ट्वेंटी को एनीवे राइटिंग पोर्शन आपको यहाँ कहीं तो मिल जाएगा यस एम सी उसकी चिंता मत कीजिएगा वो हम कर लेंगे आज से हम लोग लिटरेचर पोर्शन भी इसके अंदर डालने वाले हैं आई एम रोली सॉरी अबाउट माई माउथ अल्सर्स आई है माउथ अल्सर्स एंड यस आई एम ओनली प्रेंगाइव कर हूँ दो तारीख तक सो यस दैट्स So, आज हम शुरू करने वाले हैं द लास्ट लेसन ऑल्सो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ना यहाँ पे पी डी अपलोड नहीं कर सकती तो अगर मुझे मान लो ये वाला पीडीएफ डालना हो आ, मुझे सैम्पल पेपर भेजना है आपको इसी साथ में वर्कशीट भेजनी है आपको तो ये सारा जो मुझे करना है वो मैं कर नहीं पाऊंगी अगर आ, मैंने यू नो you know, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि मैं सारे के सारे का जो लिंक्स है वो कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी सो दैट यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनलोड सो so, चलिए फिर शुरू कर देते हैं लास्ट लेसन हमारा चैप्टर है लास्ट लेसन लिखा है ऑल्फॉन्स डॉडेट ने सो ऑलफॉन्स डॉडेट जो है वो ऑथर है ऑथर के नाम याद रखेंगे बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ गया तो एक मार्क तो फ्री का मिल जाएगा सो ऑल्फॉन्स डॉडेट जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा ये चैप्टर फ्रेंको प्रशियन वॉर के दिनों में लिखा गया था जब वॉर होती है तो नेचुरली लोग जो है आ, वो बहुत तरीके से आ, अफेक्ट होते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आ, इसका इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जब एक कंट्री एक दूसरे टेरिटरी पे राज करती है तो या फिर उसे जीत जाती है तो क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ में यूजली जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को जीत जाती है तो वो अपनी चीजें उनके ऊपर इम्पोस करते हैं जो कि यहाँ पे भी हुआ है। ये चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रांस से जो कि इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। एक्चुअली ओह आर यू नॉट वर्किंग? ओह आई थॉट इट वाज़ नॉट वर्किंग। यार तो फ्रांस से जो कि नरेटर भी है। नाउ विलियम अल्फॉन्स uh, डॉज जो है वो ऑथर है और फ्रांस इसके फ्रांसर है फ्रांस बोलते हैं यार वो उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेट लेट हो गए स्कूल, आ, स्कूल तो लेट हो गए गए थे थे स्कूल 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 के के लिए लिए तो और उसके ऊपर से क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें डांट पड़ने वाली है देखो बच्चा वाली बात यह है ना कि वो आ, ये जो नेचर है उनका स्कूल का लेट होना ये एक्चुअली उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोलता है ये बताता है कि वो कितने ज्यादा केयरलेस थे एंड ऑल्सो इसके साथ साथ में उनको

फिर क्या होता है ना यू uh, नो you know, उनके दिमाग में बस एक ही चीज आती है आपके मेरे सबके दिमाग में यही आएगा यार अगर हमने कोई चीज नहीं करी होती है उसके ऊपर से हम लेट होते हैं तो एक ही चीज है जो कि हमारे दिमाग में आ सकती है और वही चीज हमारे फ्रेंड्स के दिमाग में भी आई कि चलो यहाँ से कट लेता हूँ भाग लेता हूँ एक्जैक्टली यही उन्होंने सोचा और इसके ऊपर आप सोचो इतनी सारी टेम्पटेशन बच्चा वाली इतना गर्म सा दिन था बर्ड एकदम से चॉप कर रहे थे और उसके साथ साथ में सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रशियन सोल्जर्स है अगर कोई एक इंसान मतलब एक कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर किसी और टेरिटरी के ऊपर राज करेगी तो वो कोशिश करेंगे कि उनके जो लोग हैं उनके जो लोग हैं, वो वहां पे प्रेजेंट रहे अभी प्रशिया ने इनके डिस्ट्रिक्ट को अलसाज और लुरेन को जीत लिया था अब अल्साज और लुरेन को जीत तो लिया था बट अगर वहां पे उनके सोल्जर्स नहीं होंगे तो जितने भी ऑर्डर्स है वो कौन बताएगा उन ऑर्डर्स को कौन बताएगा उनसे काम कौन करवाएगा अपनी बात कौन मनवाएगा इसके लिए ये जो सोल्जर्स है ये ड्रिल करते रहते थे एक्सरसाइज करते रहते थे ये एक्सरसाइज करते थे और ये एक्सरसाइज एक्चुअली अगर हम देखें तो मार्चिंग पर्टिकुलरली ये करते थे जो कि बस ये दिखाने के लिए थी कि ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट है thing, you know, अंदर ऐसा था कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए बट हमारा फ्रांस जो था वो इन टेम्पटेशन से पिघला नहीं हमारा फ्रांस सख्त था उसने बोला नहीं मुझे मुझे कुछ भी करके ना मैं चलूंगा और फिर फ्रांस ने किया कि बस अब तो वो वो स्कूल स्कूल जाएगा और भागा 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 भागा, भागा वो स्कूल गया इसके बाद में उसने देखा यार टाउन हॉल एक्चुअली क्या है ये छोटे छोटे टाउन होते हैं इनमें से छोटे से ऐसे तो हॉल्स बने हुए होते हैं जहाँ पे सारे एल्डर्स जो है वो बैठ के बातें करते हैं डिस्कशंस करते हैं So, इसको बोलते हैं ये यूजुअली सेंटर में होता है टाउन के उन्होंने देखा टाउन हॉल में बहुत क्राउड था बहुत क्राउड था और वो भी खास करके बुलेटिन बोर्ड के टाइम पे अब ये जो स्टोरी है के सामने ये जो स्टोरी है ये स्टोरी उस जमाने की है जब कबूतरों से संदेश जाते थे संदेश So, ये टेलीग्राम वेलीग्राम नहीं है यहाँ पर इस तरीके से लेटर्स जाते थे तो कोई भी कम्युनिकेशन करना होता था तो टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता था और वो सब तक पहुंच जाता था यही चीज यहाँ पर हुई थी एक बुलेटिन बोर्ड बनाया हुआ था नोटिस बोर्ड जैसा उसके ऊपर कोई भी मान लीजिए कोई ड्राफ्ट होते थे कोई कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर होते थे लॉस्ट बैटल्स होती थी उन सबकी न्यूज वहां पर आया करती थी फ्रांस ने देखा इस बार बुलेटिन बोर्ड पे क्या हुआ होगा यार अभी कौन सी न्यूज यहाँ पर आई होगी क्योंकि आज तक दो साल से सारी की सारी बस बुरी खबरें यहां पर आ रही थी तो बुरी खबरें सोची तो उसने सोचा अभी भी कोई बुरी खबर होगी बट क्या होगी अभी उसके पास में रुकने का टाइम नहीं था एंड देट इज वाई उसने सोचा यार वैसे भी कोई बुरी खबर होगी मैं भाग लेता हूं स्कूल की तरफ जब वो भाग रहा था तो ब्लैक स्मिथ वॉचर जो है वो कहते हैं कि अरे, अरे अरे आराम से जाओ डोंट गो सो फास्ट बाब इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम तुम्हारे पास खूब टाइम है जो कि कहीं ना कहीं जिसका टोन ना सरकाजम का था जैसे मम्मी ताने नहीं मारती है बारह बजे क्यों उठ गए हाँ आराम से उठ जाते चार बजे उठ जाते क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम ही नहीं है तो अब बेटा तुम्हारा ब्रेकफास्ट तो चार बजे होगा हाँ जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही होंगी तो वैसे वाला ताना जो है उसे लगा वॉचर ने मारा एक्चुअली वॉचर उसे ये बताना चाहते थे कि अब 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 क्या क्या मतलब स्कूल जाने से क्या होगा अब तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है जब जाना था वो टाइम तो निकल चुका था जो कि ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं उसे उसकी मदर टंग के लिए यू नो you know, कि उसने अपनी मदर टंग पे एक्सेस खो दिया है वो चीज दिखाना चाहते थे फ्रांस भागे भागे भाग के और कहा पहुंच गए स्कूल पहुंच गए वो स्कूल पहुंचे वो हाफ रहे थे पहुंच तो गया यार वो ये सोच रहे थे वो हाफ रहे थे फिर एकदम से उन्होंने नोटिस किया बोले यार आई काउंटेड ऑन दी कमोशन फ्रांस ने भरोसा किया था कमोशन पे फ्रांस को ये लग रहा था कमोशन का मतलब है हलचल हसल बसल शोर गुल बोला यार मैंने सोचा था यहाँ पे बच्चे खेल रहे होंगे टीचर रैप कर रहे होंगे रूलर को बच्चे यूनाइजन में गाना गा रहे होंगे चैंट कर रहे होंगे अपने वॉवल्स को ये क्या हो गया भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये इतना शांत क्यों है जैसे कि एक संडे मॉर्निंग बेचारे ने सोचा था कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होगा तो वो चुपके से जाएगा और चुपके से जाके अपनी सीट पे बैठ जाएगा और किसी को क्या ही पता चलेगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चा बारी स्कूल बहुत क्वाइट था और जब वो क्लासरूम तक पहुंचा तो एक तो बेचारा लेट था और उसके ऊपर से सबसे दुख की बात ये थी कि वो अकेला नहीं था अकेला ही था जिसकी पिटाई होने वाली थी उसके दोस्त उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे और एम हेम ऐसे रूलर को रख के और ऐसे चल रही थी ऐसे ऐसे, ऐसे 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 उसको डर लग रहा था उससे सोचा एम हेम एल ये रूलर लेकर ही मारेंगे मुझे तो वो ये सोच रहा था एम एम से पिटाई होने वाली है बच्चे ऑलरेडी सीट पर बैठ गए हो क्या रहा है कहीं ना कहीं डरा हुआ था क्योंकि पिटाई होती और कहीं ना कहीं शर्मा रहा था क्योंकि स्कूल के सामने चल के जाना था यार मुझे देख क्यों हो यार ऐसा भी क्या हो गया एक दोस्त कुछ शर्म आ रही थी कि यार वो सबके सामने चल के जाएगा डोर खोल के और एम हेम ऑलरेडी वहां वॉक कर रहे हैं बच्चे ऑलरेडी सीटों पे बैठ चुके हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा डरा देती है और शर्मा भी देती है फिर जब वो अंदर जाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है पीछे से आएगा एक पटा है पर ऐसा हुआ नहीं था यार एम एम एल का रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था इनफैक्ट एम एम एल ने तो एम एम एल ने बहुत ही काइंडली बात की थी उससे बोला अरे अभी फ्रेंड लिटिल फ्रेंड जाओ अपनी जगह पर बैठो हम तो तुम्हारे बिना ही साथ कर रहे थे ओ लिटिल फ्रेंड जाओ अपनी जगह पर बैठो हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे

आज क्यों पेन किया सारी चीजें ये चीज देखकर भी वो सरप्राइज हो गया और सबसे ज्यादा सरप्राइज तो वो तब हुआ जब उसने देखा कि बैक बेंचेस पे जो कि यूजुअली बैक बेंचेस जो कि यूजुअली खाली रहती है वो बैक बेंचेस जो यूजुअली खाली रहती है वो बैक बेंचेस आज भरी हुई थी और वहां पे बच्चे नहीं, विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे तो विलेज एल्डर्स थे जो कि वहां पर बैठे हुए थे और वो विलेज एल्डर्स आ, यू नो बड़े सैड लग रहे थे तो ये सारी ये सारी चीजें उसने देखी उसने सोचा यार आज कुछ तो गड़बड़े ये हो क्या है आखिरकार सो so, uh, ये सारी चीजों को देखकर वो सरप्राइज हो गया था एम एम एल ने उसको बता दिया उसका एक्साइटमेंट जो था कि आखिरकार क्या हो रहा है MML ने क्लियर कर दिया एम एम ने अनाउंस किया कि बर्लिन uh, से ऑर्डर आया है कि अल्साज और लोरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी आज उनका आखिरी लेसन है और इसके बाद में वो कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ने वाले हैं कल उनका नया मास्टर आएगा और एम कंट्री छोड़कर चले जाएंगे ये शब्द ऐसे थे जैसे कि नहीं 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 मतलब हे माँ माता जी वाले मतलब वो एकदम से ऐसे नहीं था था कड़कती है एग्जैक्टली exactly वैसे थंडर हो गया एकदम ऐसे थंडर क्लैप लग रहे थे ये वर्ड क्योंकि उसको लग रहा था कि यार ये कैसे हो गया अभी तो मैंने पढ़ना भी नहीं सीखा बोलना भी नहीं सीखा ये किताबें मेरे से कैसे दूर आ जा रही है अभी तो मैंने मेरे को आती नहीं है फ्रेंच यहाँ पे उसके अंदर रिग्रेट आया उसने सोचा कि यार अभी तक मैंने कुछ सीखा ही नहीं है अभी तो मैंने पढ़ना भी नहीं सीखा है और अभी से आप मुझे कह रहे हो कि मैं आप और कभी नहीं सीख पाऊंगा वो बुक्स जो आज तक उसे बर्डन लग रही थी वो बुक्स एकदम से उसे खोया हुआ बेस्ट फ्रेंड लगती है कि एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपका प्यारा सा बेस्ट फ्रेंड होता है पर उसे आपको खोना ही पड़ता है क्योंकि वो दूसरे कॉलेज में चला जाता है सो so एग्जैक्टली exactly ये जो चीज थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिली कि किस तरीके से फ्रांस जो है उसने ये रिग्रेट किया क्योंकि उसने अपने लेसन को कभी नहीं सीरियसली लिया था ना ही उसने कभी पढ़ा था ना उसने बोला कि वो बिल्कुल पढ़ भी पढ़ भी नहीं पाएगा और ये चीज़ सोच सोच के कि एम हेम एल उनसे दूर चले जाएंगे कि एम हेम एल यू नो अब वापस कभी यहाँ पर नहीं आएंगे वो भूला चुका था कि एम हेम एल एक्चुअली कितने क्रैंकी थे वो भूला चुका था कि एम हेम एल जो थे वो कितना ज़्यादा उन्हें डांटते थे कितने ज़्यादा एरोगेंट थे तो ये एक्चुअली ओ ओ अरे ओ। ऐसे गोल गोल मत घूमो यार हाँ अब शायद थोड़ा विजिबल होगा तो ये एक्चुअली जो था ये उसको डर लग रहा था उसने सोचा वो चली जाएंगी, है, वो थे, है, मुझे थे पर इसका मतलब क्रांकी थे एकदम से उनको उसके यू नो उसको उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया था अब वो उसके लिए सॉरी उनके लिए सॉरी फील कर रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये बेचारे फोर्टी की सर्विस अपनी छोड़ कर जा रहे चालीस साल की सर्विस यहाँ पर एम एम एल ने यू नो दी थी स्कूल को और वो चालीस साल की सर्विस को छोड़ के जा रहे थे अब उसको पता चल चुका था कि यही रीजन था कि एम एम एल जो है वो नए कपड़े पहन कर आए थे और यही रीजन था कि विलेज पीपल जो है वो पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं वो बैक बेंचेस पे इसके लिए बैठे हैं क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो 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 एक्सप्रेस करना चाहते हैं यू नो ग्रैटिट्यूड अपने एम एम एल के लिए कि एम एम एल ने चालीस साल की उन्हें सर्विस दी और वो सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं और वो रिस्पेक्ट पे करने आए उस कंट्री के लिए जो कि अब उनकी नहीं थी फ्रांस बस इसी बारे में सोच रहा था और इसी मोमेंट जब फ्रांस इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था इतने में ही क्या हुआ एम एम ने उसका नाम लिया अब फ्रांस की बारी आ चुकी थी अब फ्रांस को रिसाइट करना था तो अब फ्रांस की जब बारी आई रिसाइट करने की तो फ्रांस सब कुछ भूल गया वो सोच रहा था कि भगवान जी क्यों मेरे साथ ऐसा किया काश आज मैं बिना अटके एकदम अच्छे से क्लियरली सारी बातें बोल पाता एक बार में सब कुछ बता देता वो आज अपने, अपने टीचर अपने एम, एम को बताना चाहता था कि वो पढ़ सकता है वो है बस वो पढ़ता नहीं था उसको वो लास्ट चांस चाहिए था बट आज तक उसने वो प्रोकैसिनेशन में गवा दिया और आज जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी पढ़ने की तब वो पढ़ के नहीं आया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था वो पहले ही वर्ड में फंबल कर गया पहला बोला और उतने में ही वो अटक गया जिसकी वजह से उसे फील हो रहा था बेचारा नीचे झुक के देख रहा था उसे बहुत ही बारस फील हुआ और ये एम्बारसमेंट जो है ये एम्बारसमेंट को एम एम एल समझ गए थे अब एम एम एल ने उसे बताया एम एम एल ने बोला कि लिटिल फ्रांस में तुम्हें डांटूंगा नहीं एमएमएल ने बोला कि मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ लिटिल फ्रांस तुम चिंता मत करो तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी जब एमएमएल ने बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं तुम चिंता मत करो तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी तब इसकी वजह से तो और भी ज्यादा फ्रांस फ्रांस को दुख होने लग गया ने सोचा अरे यार मैं आज मैंने कितना ज्यादा दुखी कर दिया एमएमएल को यार बेचारे एमएमएल वो तो इतने सालों से पढ़ा रहे काश मैं आज पढ़कर आता क्योंकि आज अगर मान लो मैं बाद में कभी पढ़ूंगा भी तो मैं एमएमएल से तो फिर से कभी नहीं मिल पाऊंगा एमएमएल बताने लगे कि सिर्फ फ्रेंड्स या बच्चों की गलती नहीं थी इसमें पेरेंट्स की भी गलती थी पेरेंट्स ने भी कभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और साथ ही साथ में गलती थी यू नो उनकी इसके लिए भी क्योंकि वो अपने बच्चों को मिल्स पे और फार्म्स पे भेज दिया करते थे कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए गलती थी एम हेम एल की खुद की भी क्योंकि एम हेम एल फिशिंग ट्रिप्स के लिए उन्हें छुट्टियां दे दिया करते थे और एम हेम एल उनको अपना काम सौंप दिया करते थे कि जाओ मेरे पौधों में पानी दे दो वाटर में प्लांट तो so, ये एक ऐसी ये ऐसे एक एक, एक करके वो सबको रिप्रोच करने लगे सबको ब्लेम करने लगे एंड देन इसके बाद में उन्होंने एक एक करके बताया लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को उन्होंने बताया कि ये लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्होंने बोला कि ये लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है दुनिया की सबसे क्लियर लैंग्वेज है और साथ ही साथ सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है उन्होंने ये इसके लिए नहीं बोला क्योंकि सच में कोई फैक्ट है ये प्रूव करने के लिए उन्होंने आउट ऑफ द लैंग्वेज लव ये बोला था अप, अपना प्यार दिखा रहे थे लैंग्वेज के लिए और इसीलिए उन्होंने बोला कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है ये चीज के बाद में उन्होंने बताया कि आपको इस लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करके रखना है क्योंकि ये लैंग्वेज ही है जो कि आपकी चाबी है जब लोगों को enslave किया जाता है तो उनकी आइडेंटिटी ही उनकी चाबी बनती है और ये लैंग्वेज तुम्हारी आइडेंटिटी है ये ही तुम्हें फ्रेंच मैन बताती है बोला आज हमने कुछ नहीं पढ़ा हम हर चीज को कल पर टालते रहे और देखो कल हमें कहाँ ले आया अब उन लोगों को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि तुम अपने आप को क्या फ्रेंच मैन बोलते हो तुम्हें ना बोलना आता है और ना लिखना और ये चीज समझा के उन्होंने फाइनली सबको गार्ड करने की लैंग्वेज को गार्ड करके रखने की सलाह दी इसके बाद में उन्होंने ग्रामर खोला फिर ओके आई एम सॉरी इसके बाद में फिर उन्होंने ग्रामर खोला राइटिंग खोला ये सारी चीजें वो पढ़ाना चाहते थे आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में वो सब कुछ बता देना चाहते थे जो उन्हें आता है वो अपने बच्चों में सारी इंफॉर्मेशन सारी नॉलेज बांट देना चाहते थे ये एकदम ऐसा ही था ये आखिरी दिन पे उन्होंने अपना हंड्रेड दिया ऐसा लग रहा था फ्रांस को कि यार मुझे ये सब कुछ समझ में कैसे आ रहा है फ्रांस ने सोचा कि यार मुझे ये सब कुछ समझ में कैसे आ रहा है क्योंकि फ्रांस आज कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा था और शायद एमएमएल ज्यादा पेशेंट से पढ़ा रहे थे ये सारी चीजें हो रही थी और केवल और केवल बच्चों के लिखने की आवाज आ रही थी और जब लिखने से फ्रांस ने ऊपर देखा तो फ्रांस ने देखा कि एमएमएल मोशनलेस अपनी चेयर में बैठे हैं जो कि फाइनलिटी बताता है एमएमएल मोशनलेस बेड के एक एक कोने को जीना चाहते थे वो चालीस साल उन्होंने यहाँ गुजारे थे वो एक एक कोने को जी लेना चाहते थे उस गार्डन को जी लेना चाहते थे जिस गार्डन में उन्होंने खुद ने खोपाइन लगाई उनका वॉलनट ट्री जो कि आज बड़ा हो गया है ये डेस्क जो कि थोड़ी सी यूज होके घिस गई है बट एकदम वैसी है चालीस साल में कुछ नहीं बदला और इन चालीस साल में जो मेमोरीज है उन सबको वो जी लेना चाहते थे जो कि बताता है कि वो उनका आखिरी मोमेंट था यू you नो know, इसके बाद में चांसेस कि शायद MML कभी भी यू uh, नो you know, इसको देख नहीं पाएंगे ये इनका घर था जिससे वो वापस कभी नहीं जा पाएंगे फ्रांस ने ये देखा और उसको बहुत बुरा लगा पिजिन कू कर रहे थे ऊपर और फ्रांस को लगा क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं कि ऊपर जो पिजिन कु कर रहे हैं उनको भी ये बोलते कि जाओ तुम भी जर्मन में कू करो क्योंकि जब लोग अपना डोमिनेंस एक्सरसाइज करते हैं तो यूजुअली वो ऐसा करते हैं वो अपना डोमिनेंस एक्सरसाइज करते हैं लोगों के ऊपर तो सराउंडिंग्स भी अफेक्ट होती है बट ये जरूर ये बताता है कि जैसे आप कबूतरों से उनकी छीन ले छीन सकते हो अगर वैसा ही है एक फ्रेंच मैन से फ्रेंच मैन से उसकी फ्रेंच छीनना मदर टंग को छीनना बहुत एक्सेसिव डोमिनेंस है जो कि यहाँ पे फ्रांस ने बोला कि ये लोग इतने बुरे हैं क्या कि क्या हमसे ये लोग हमारी लैंग्वेज ही छीन चुकी है तो क्या कबूतरों से उनका कू छीन लेंगे अब सारे के सारे लोग जो थे वो बहुत इमोशनल हो गए हॉजर भी आया था उन में उसने थ्री हैट पहनी थी उसको ज्यादा कुछ आता नहीं था तो वो ए बी सी डी पढ़ रहा था वो जब पढ़ रहा था तो उसकी आवाज ना फंबल कर रही थी नो वो वो रो रहा था एम एम एल जा रहे थे उसे लग रहा था उसने कभी पढ़ा नहीं उसकी मदर टंग जा रही थी एम एम एल जा रही थी तो वो रो रहा था और उसे सुन के सब लोग हंसना भी चाहते थे एंड एट द सेम टाइम सब लोग रोना भी चाहते थे तो सब लोग हंसना चाहते थे सब लोग रोना चाहते थे फुल ऑफ इमोशन ये लास्ट मोमेंट था साथ ही साथ में फ्रांस देख रहा था कि एम एम में कितना करेज है कितना पेशेंस है कि जब उन्हें ऊपर उनकी सिस्टर की आ, हो सकता है टैंक को मूव करने की आवाज आई और ट्रंक्स को मूव करने की आवाज आई तब भी वो नीचे बैठे रहे उन्होंने एक एक लेसन सुना और उन्होंने अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट किया क्योंकि वो अपना हंड्रेड परसेंट देना चाहते थे फिर जैसे ही बारह बज गए प्राचीन सोल्जर्स विंडो के नीचे आए वो ट्रम्पेट ब्लो करने लगे एंजलिस उनकी आफ्टरनून प्रेयर का टाइम हो चुका था एम खड़े हुए एम जब खड़े हुए फ्रांस ने बोला मैंने कभी नहीं देखा एम एम एल को इतना टॉल जो कि ये बताता है एम एम एल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस फुल ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड अभी फ्रांस की नजरों में फुल ऑफ रिस्पेक्ट थे उनको फ्रांस की नज़रों में एम की रिस्पेक्ट बढ़ गई थी और एम क्योंकि वो अपने आखिरी दिन अपना मैसेज कन्वे कर पाए कि प्लीज़ इसे गार्ड करके रखना वो सेटिस्फाइड थे कि उनकी लैंग्वेज इन बच्चों में सिक्योर्ड रहेगी इसकी वजह से उन्होंने ये बोला इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में यू नो आफ्टर अभी उन्होंने एंजेलस कर लिया था एमएमएल खड़े हुए वो कुछ कहना चाहते थे आई आई पर उन्हें कुछ तो चौक कर गया उनको रोना आ गया था वो इमोशनल हो गए थे इसीलिए वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए अपना सेंटेंस छोड़ो वो तो कुछ भी नहीं कह पाए वो सिर्फ पीछे मुड़े चौक लिया और बड़ा बड़ा लिख दिया विवला फ्रांस That is long live France. जो कि करते ये मेरा है. ये है, ये है जो इस डॉमिनेस को खत्म कर देगी उन्होंने बता दिया कि कैसे एक ब्लैक बोर्ड एक यू you नो know, एक मीन ऑफ एजुकेशन चेंज कर सकता है इस पूरे को और फ्रांस हमेशा जिंदा रहेगा इसके बाद में ये जो मैसेज था जिसमें उन्होंने एजुकेशन को एम्पावर किया उ, उनके अंदर उतना हिम्मत नहीं था कि वो और कुछ बोले इसके लिए उन्होंने हाथ से ही सिग्नल कर दिया दैट द स्कूल इज डिसमिस एंड यू मे कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और अब आप जा सकते हो फ्रांस कहता है हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन फ्रांस को बहुत अच्छे से वो लास्ट लेसन याद है चैप्टर आइडेंटिटी के बारे में बात करता है कल्चर के बारे में बात करता है मदर टंग के बारे में बात करता है यह चैप्टर सिखाता है कि कैसे हमारी ओरिजिनलिटी को केवल हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रोकैसिनेट ना करके आज में जीना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए नहीं तो कल अगर ऐसी चीजें होंगी तो हम रिग्रेट करेंगे दैट्स इट सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आई होप यू कुड एक्चुअली रिवाइज द चैप्टर विद मी if you did like the video please like the video and share this with your friends and comment down below if you want to give any kind of suggestions or if you want me to bring some kind of other videos and i will definitely bring those videos for you don't forget and subscribe to the channel so that all the uh, you know the links and the pdfs and everything that i actually post you get notified as well click on the bell icon because that's how the notification will come i'll see you in the next bye bye